हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज हम बात करने वाले हैं एक और टॉपिक की, जो कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड टॉपिक है। और ये टॉपिक है ब्लेंडेड लर्निंग एंड फ्लिप्ड लर्निंग। तो ब्लेंडेड लर्निंग एंड फ्लिप्ड लर्निंग अगेन बहुत ही इनोवेटिव टॉपिक है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स वगैरह में, टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स में। तो चलिए पढ़ते हैं इन डिटेल कि ब्लेंडेड एंड फ्लिप्ड लर्निंग आपका क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले ब्लेंडेड लर्निंग के बारे में देखते हैं। देखिए, ब्लेंडेड लर्निंग अगेन एक टर्म है जिसको ई लर्निंग को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया गया है। इसको हम एक हाइब्रिड या इंटीग्रेटेड टीचिंग मेथडोलॉजी भी बोलते हैं, या फिर न्यू टीचिंग मेथडोलॉजी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों को एक साथ यूज़ करते हैं। मतलब कि अगर आप कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हो ड्यूरिंग टीचिंग, ठीक है, उन सारी टीचिंग को हम ब्लेंडेड लर्निंग बोलेंगे, जहाँ पे हम ऑनलाइन लर्निंग को विद क्लासरूम लर्निंग दोनों को मिलाकर आपस में एक लर्निंग एटमॉस्फेयर बनाते हैं, उसको हम ब्लेंडेड लर्निंग बोलते हैं। देखिए, जो टर्म है ब्लेंड, ब्लेंड का मतलब क्या होता है? ब्लेंड का मतलब होता है मिक्स करना, चीज़ों को आपस में ब्लेंड कर देना या मिक्स कर देना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पे ऑनलाइन लर्निंग जो आपकी थी वो लर्निंग एंड क्लासरूम लर्निंग जो आपकी थी, इन दोनों लर्निंग को आपस में ब्लेंड कर दिया, मिक्स कर दिया, और उसके बाद हमने बनाया ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग इज़ अ टर्म इंक्रीजिंगली यूज टू डिस्क्राइब द वे ई लर्निंग इज बींग कम्बाइंड विद ट्रेडिशनल क्लासरूम मेथड एंड इंडिपेंडेंट स्टडी टू क्रिएट अ न्यू हाइब्रिड इंटीग्रेटेड टीचिंग मेथोडोलॉजी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी ई लर्निंग को या फिर ऑनलाइन लर्निंग को हम कंबाइन कर रहे हैं ट्रेडिशनल क्लासरूम मेथड से, ठीक है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं ब्लेंडेड लर्निंग। इट रिप्रेजेंट अ मच हायर चेंज इन बेसिक टेक्निक्स देन सिंपल एडिंग कंप्यूटर्स टू क्लासरूम। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आपने अपने जो एक क्लासरूम था आपका, उसमें आपने कंप्यूटर्स को ऐड कर दिया तो ये आपका ब्लेंडेड लर्निंग हो गई। ऐसा नहीं होगा। जो टीचर की टेक्निक होगी, जिस तरीके से वो बच्चों को टीच कर रहा था और जिस तरीके से बच्चे एजुकेशन ले रहे थे, ये टोटल मतलब हर एक चीज़ आपकी चेंज होगी वहाँ पे। हम सिर्फ ये नहीं होगा कि आपने कंप्यूटर ला के रख दिया अपने क्लासरूम में तो आप एक ब्लेंडेड टीचिंग पढ़ाने लगे। आप उसको किस तरीके से पढ़ाते हो, आपने प्रॉपर यूज़ किया है कंप्यूटर्स का या नहीं, क्लासरूम के अंदर आपने कितना ज़्यादा ई लर्निंग को यूज़ किया है, क्या मेथड्स आप यूज़ कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपके ब्लेंडेड लर्निंग में आती है। तो मतलब जो मीडियम होता है, मीडियम ऑफ इंटरेक्शन और मीडियम ऑफ लर्निंग एज वेल एज वे ऑफ लर्निंग, ये दोनों ही चीज़ें आपकी यहाँ पे इंक्लूडेड होगी ब्लेंडेड लर्निंग में। मतलब मीडियम का आपका मतलब क्या हुआ? मीडियम का मतलब हो गया आपका जो आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, मतलब कंप्यूटर्स, हार्डवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर। तो ये सारी चीज़ें आपकी मीडियम हो गई। इसके अलावा आप वे जो आपका है, ठीक है, नेक्स्ट है वे। वे का मतलब हुआ कि आप कौन से मेथड्स यूज़ कर रहे हो, क्या टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो, ये सारी चीज़ें भी आपकी आएंगी ब्लेंडेड लर्निंग में। ब्लेंडेड लर्निंग इज़ एन अप्रोच टू एजुकेशन दैट कम्बाइंस ऑनलाइन एजुकेशन मटीरियल एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटरेक्शन ऑनलाइन विद ट्रेडिशनल प्लेस बेस्ड क्लासरूम मेथड। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम सारे ऑनलाइन एजुकेशन मटीरियल को यूज़ कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं ऑनलाइन, लेकिन कहाँ पे? कॉमन जो ट्रेडिशन आपका क्लासरूम होता था वहीं पे, ठीक है। इट रिक्वायर्स द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ बोथ टीचर एंड स्टूडेंट विद सम एलिमेंट ऑफ स्टूडेंट कंट्रोल ओवर टाइम प्लेस पाथ और पेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस होनी ज़रूरी है। ऑनलाइन मेथड में क्या होता था, ऑनलाइन में आपका टीचर प्रेजेंट नहीं होता था, सिर्फ स्टूडेंट होता था जो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस या प्री रिकॉर्डेड मटेरियल को स्टडी करता था, तो उसको हम ऑनलाइन टीचिंग बोलते थे। बट यहाँ पे क्या है, ब्लेंडेड में क्या है, यहाँ पे टीचर भी प्रेजेंट है विद इन क्लासरूम। आपका जो टीचर होगा वो भी प्रेजेंट होगा, स्टूडेंट भी प्रेजेंट होगा, और वो जो टीचिंग करेंगे वो आपका होगा पूरी तरीके से ऑनलाइन या फिर ई बेस्ड, ठीक है, या कंप्यूटर बेस्ड। व्हाइल स्टूडेंट स्टिल अटेंड ब्रिक एंड मोर्टार स्कूल, दैट मीन्स द ट्रेडिशनल स्कूल, जो कि आपका पत्थर, सॉरी, जो आपका ईंटा एंड गारा बोलते हैं ना, ब्रिक एंड मोर्टार, तो उससे बना हुआ जो आपका स्कूल है वो स्टिल स्टूडेंट आपके यूज़ कर रहे होंगे। और उसके अलावा फेस टू फेस क्लासरूम प्रैक्टिसेस आर कम्बाइंड विद कंप्यूटर मीडिएटेड एक्टिविटीज़ रिगार्डिंग कंटेंट एंड डिलीवरी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फेस टू फेस
क्लासरूम जो एक्टिविटीज़ थी, जो प्रैक्टिसेस थी, उसको हमने कंबाइन कर दिया है किसके साथ, कंप्यूटर मीडिएटेड एक्टिविटीज़ के साथ। और ये क्या है, रिगार्डिंग कंटेंट एंड डिलीवरी। अब इसका मतलब क्या हुआ, कंटेंट का मतलब हुआ कि जब टीचर आपका कोई मटेरियल बनाता है, ठीक है, जैसे मैं आपको लेक्चर देने के लिए वीडियोज़ बनाती हूँ या PPTs बनाती हूँ, ठीक है। और मैं डिलीवरी का मतलब हुआ कि जब मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रही हूँ तो वो PPT जो हम देखते हैं वो PPT आपकी कंटेंट होती है, और डिलीवरी होती है जब आप क्लासेस में अपीयर कर रहे हो, आप ऑनलाइन वहाँ पे क्लासेस ले रहे हो। ब्लेंडेड लर्निंग इज ऑल्सो यूज इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेटिंग्स। तो आपकी जब ट्रेनिंग सेटिंग्स होती है या प्रोफेशनली हम लोगों को डेवलप करते हैं तो वहाँ पे भी हम ब्लेंडेड टेक्निक का यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मान लीजिए आप ट्रेनिंग देने जा रहे हो या ट्रेनिंग लेने जा रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका एक कम्युनिकेटर होता है, मतलब एक टीचर होता है या इंस्ट्रक्टर होता है, वो खुद खड़ा होता है, पूरी क्लास होती है स्टूडेंट्स की या फिर ट्रेनर ट्रेनिंग वालों की जो ट्रेनिंग लेने वाले हैं। और उसके अलावा एक स्क्रीन होती है, प्रोजेक्टर होता है, कंप्यूटर होता है, और उस पर एक वीडियो चल रही होती है या PPT चल रही होती है। तो ये क्या है, ये आपका एक ब्लेंडेड टेक्निक है जहाँ पे इंस्ट्रक्टर फिजिकली प्रेजेंट है, जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आपके फिजिकली प्रेजेंट हैं, और उसके साथ साथ हम मोड ऑफ कम्युनिकेशन हमारा क्या है, कैसे हम चीज़ों को इंटरेक्ट करें, थ्रू अ कंप्यूटर मीडियम। ओके, नेक्स्ट है और कौन से टर्म्स हम ब्लेंडेड लर्निंग की जगह पे लगाते हैं, तो ये है आपके हाइब्रिड लर्निंग, टेक्नोलॉजी मीडिएटेड इंस्ट्रक्शन, वेब इन्हांस इंस्ट्रक्शन और मिक्स मोड इंस्ट्रक्शन। तो जहाँ पे भी ये टर्म्स आपके यूज़ किए जाएंगे इनको लेके कंफ्यूज मत होइएगा, इन टर्म्स को आप याद कर लीजिए अच्छे से कि ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब ही होता है आपका हाइब्रिड लर्निंग, टेक्नोलॉजी मीडिएटेड लर्निंग और टेक्नोलॉजी मीडिएटेड इंस्ट्रक्शन, वेब इन्हांस इंस्ट्रक्शन एंड मिक्स मोड इंस्ट्रक्शन। तो ये सारे जो टर्म्स हैं ये आपके इंटरचेंजेबली यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपके डिफरेंट मॉडल्स हैं जो कि हम ब्लेंडेड लर्निंग में यूज़ करते हैं। तो पहले आपका जो मॉडल है वो है फेस टू फेस ड्राइवर। फेस टू फेस ड्राइवर में क्या होता है कि जो टीचर होता है वही इंस्ट्रक्शन ड्राइव करता है और ऑग्यूमेंट करता है विद द डिजिटल टूल, मतलब डिजिटल टूल को यूज़ करता है जो टीचर होता है वो खुद, और वही सारी इंस्ट्रक्शन को एज अ ड्राइवर वही होता है, मतलब सारी इंस्ट्रक्शन वही प्रोवाइड करता है। रोटेशन क्या होता है, रोटेशन में जो स्टूडेंट होते हैं उनका एक शेड्यूल होता है जो कि उस शेड्यूल के थ्रू ही ऑनलाइन स्टडी करते हैं और फेस टू फेस क्लासरूम टाइम देते हैं, और ये इंडिपेंडेंट होता है, मतलब हर स्टूडेंट का अपना अलग शेड्यूल हो सकता है और उसी बेसिस पे वो ऑनलाइन स्टडी करते हैं इन अ क्लासरूम फेस टू फेस टाइम, ठीक है, मतलब सबका शेड्यूल अलग अलग होगा। फ्लेक्स का मतलब क्या है, मोस्ट ऑफ द करिकुलम इज डिलीवर्ड वाया डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड टीचर आर अवेलेबल फॉर फेस टू फेस कंसल्टेशन एंड सपोर्ट। यहाँ पे क्या होता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के बेसिस पे ही आपको पूरा करिकुलम मिलेगा और आपको जब भी टीचर की ज़रूरत होगी तो वो वहाँ पे खड़े रहेंगे, वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे फॉर कंसल्टेशन एंड सपोर्ट के लिए, ठीक है, आप खुद से पढ़ोगे वो सारी चीज़ें ऑन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। देन लैब्स होता है, ऑल द करिकुलम इज डिलीवर्ड via a digital platform but it is in the consistent physical location, student usually take traditional classes in this model as well। अब यहाँ पे क्या होता है कि digital platform तो होता ही है, curriculum उसी से define किया जाता है, but consistent location होती है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे location आपकी change हो सकती थी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ change in location हो सकता था, ठीक है, but यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी location fixed है, ओके, फिक्स्ड लोकेशन। स्टूडेंट्स यूजली टेक ट्रेडिशनल क्लासेस इन दिस मॉडल एज वेल, तो यहाँ पे ट्रेडिशनल क्लासेस भी आपकी उसी तरीके से चलेंगी। वहाँ पे क्या था कि तभी आपको क्लासेस मिलती थी, टीचर से आप तभी बात करते थे जब आपको कोई कंसल्टेशन चाहिए होता था या कोई सपोर्ट चाहिए होता था, यहाँ पे आपकी साइड बाय साइड क्लासेस भी चल रही होंगी। सेल्फ ब्लेंड, स्टूडेंट्स चूज टू ऑग्यूमेंट देयर ट्रेडिशनल लर्निंग विद ऑनलाइन कोर्स वर्क। अब यहाँ पे क्या है, सेल्फ ब्लेंड का मतलब है सेल्फ स्टडी, जहाँ पे स्टूडेंट खुद से सेल्फ स्टडी करता है और ट्रेडिशनल लर्निंग के अंदर ही वो ऑनलाइन कोर्स वर्क को भी फॉलो करता है। ओके, ऑनलाइन ड्राइवर, स्टूडेंट कंप्लीट ऑन एंटायर कोर्स थ्रू एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विथ पॉसिबल टीचर चेक इन्स। तो इसमें क्या होता है, जो ऑनलाइन ड्राइवर होते हैं, जो स्टूडेंट होता है वो खुद से पढ़ता है, ठीक है, सेल्फ स्टडी करता है, बट यहाँ पे क्या होता है, टीचर आता रहता है बीच बीच में और वो चेक इन करता रहता है, मतलब वो आपसे पूछता रहेगा, एक मॉड्यूल खत्म हो गया आपका तो आपसे पूछेगा कि आपका मॉड्यूल खत्म हो गया, आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है, उसके बाद आपने सेकेंड मॉड्यूल फुलफिल कर लिया, उसके बाद फिर आपसे पूछेगा कि आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो इस तरीके से टीचर का जो
मतलब एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम पे शेड्यूल की जाएंगी, इसकी मीटिंग शेड्यूल की जाएंगी, या फिर फेस टू फेस वो टीचर आपसे आकर चेकिंग कर सकता है. ऑल करिकुलम एंड टीचिंग इज डिलीवर्ड वाया डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड फेस टू फेस मीटिंग्स आर शेड्यूल्ड और मेड अवेलेबल इफ नेसेसरी. तो आप अपने अकॉर्डिंग जो शेड्यूल होते हैं मीटिंग्स के शेड्यूल आप खुद से फिक्स कर सकते हैं. नेक्स्ट, अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूँ ब्लेंडेड लर्निंग की, तो ब्लेंडेड लर्निंग बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है अगर फेस टू फेस या फिर ऑनलाइन इन दोनों को अलग अलग देखा जाए. तो उस हिसाब से अगर हम दोनों को मिक्स कर देते हैं तो चीज़ें ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती हैं. टीचर यहाँ पे एज अ फैसिलिटेटर वर्क करता है, एज अ फैसिलिटेटर एक्ट करता है. वहाँ पे टीचर क्या होता था, ट्रेडिशनल में टीचर अपने आप को पूरी तरीके से स्टूडेंट के ऊपर, मतलब आप कह सकते हो कि पूरी तरीके से स्टूडेंट के ऊपर, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो ओवर शेडो करता था. ठीक है, ऑनलाइन में क्या होता था, टीचर की प्रेजेंस होती ही नहीं थी. बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टीचर की प्रेजेंस है बट वो ओवर शेडो नहीं कर रहा है, एज अ फैसिलिटेटर एक्ट कर रहा है. नेक्स्ट है, टीचर्स कैन नाउ स्ट्रीमलाइन देयर इंस्ट्रक्शन टू हेल्प ऑल स्टूडेंट रीच देयर फुल पोटेंशियल. अब यहाँ पे क्या है, टीचर अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से, अपनी जो उसकी खुद की, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको मतलब बना सकते हैं, और उस इंस्ट्रक्शन के थ्रू जो स्टूडेंट होते हैं वो अच्छे से पढ़ सकते हैं, और दे कैन यूज़ देयर फुल पोटेंशियल, और दे कैन यूज़ देयर होल कैपेसिटी फॉर रीचिंग द फुल पोटेंशियल. The use of ICT have been found to improve student attributes towards learning. ऐसा भी बोला जाता है कि जब हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को लर्निंग में के साथ रिलेट कर देते हैं तो आपकी जो लर्निंग होती है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है. डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो डिसएडवांटेजेस आपके ये हैं कि आपका स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस हो जाता है ऑन द टेक्निकल रिसोर्सेज एंड टूल्स के ऊपर. अगर टूल्स आपके सही काम नहीं कर रहे हैं तो आपकी इंस्ट्रक्शन भी सही से नहीं होगी. उसके अलावा आईटी लिटरेसी अगर स्टूडेंट के अंदर नहीं है तो भी वो एज अ बैरियर एक्ट करेगी. एक स्टूडेंट को आईटी लिटरेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे ग्रुप वर्क बहुत चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिर्फ इंडिविजुअल लर्निंग की. तो अगर आप कोई ऐसा है जहाँ पे आप प्रोजेक्ट दे रहे हो, असाइनमेंट्स दे रहे हो, ग्रुप असाइनमेंट्स दे रहे हो, ग्रुप प्रोजेक्ट्स दे रहे हो, तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है इस तरह की जो टीचिंग है या इस तरह का जो टीचिंग मॉडल है इसमें. ओके, यूजिंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म कैन बी मोर टाइम कंज्यूमिंग दैन ट्रेडिशनल मैथड्स एंड कैन ऑल्सो कम विद न्यू कॉस्ट. अब यहाँ पे क्या होता है, जो ट्रेडिशनल मैथड होते थे उसमें उतनी ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती थी क्योंकि आपको जो मतलब आप कह सकते हो सिस्टम्स होते थे या आईटी होती थी उस पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता था. अभी क्या है, आपको आईटी और जो जितने भी हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर हैं, इन पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ जाएगा. और उसके अलावा जो इंस्ट्रक्शन सब दे रहे हो उसको पूरा आपको उसमें बनाना, मतलब वीडियोस में बनाना या ऑनलाइन बनाना या फिर ई बेस्ड बनाना, ये अगेन एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. नेक्स्ट आपका टॉपिक है फ्लिप्ड लर्निंग. फ्लिप्ड लर्निंग क्या होती है, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो फ्लिप्ड लर्निंग आपको एक बोली जाती है इन्वर्टेड क्लासरूम एज वेल. तो अगर फ्लिप्ड लर्निंग की जगह आपका टॉपिक आता है इन्वर्टेड क्लासरूम तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है. इन्वर्टेड क्लासरूम जो आपका है वो भी फ्लिप्ड लर्निंग ही है. तो ये एक पेडागोजिकल अप्रोच है, मतलब ये एक शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड अप्रोच है जहाँ पे हम कन्वेंशनल जो नोशन होती थी क्लास बेस्ड लर्निंग की, इसको हमने पूरा पलट दिया है या पूरा उलट दिया है. ठीक है, चाहे आप इसको उल्टा बोलिए या पलटा बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है. चाहे फ्लिप्ड बोलिए चाहे इन्वर्टेड बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है. सो दैट स्टूडेंट्स आर इंट्रोड्यूस टू द लर्निंग मटीरियल बिफोर क्लास विद क्लासरूम टाइम आर बींग यूज टू डिपेंड डीप इन अंडरस्टैंडिंग थ्रू डिस्कशन विद पीयर एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज फैसिलिटेटेड बाई टीचर. अब देखिए मैं आपको इसको इस तरह से समझाती हूँ. पहले क्या होता था क्लासरूम टीचिंग में, हम क्लास में जाते थे, टीचर जो बोलता था हम उसको समझते थे. ठीक है, उसके बाद हम क्या करते थे, हम वापस घर में आते थे और अपना होमवर्क करते थे. अब हम फ्लिप लर्निंग में क्या कर रहे हैं, हम घर में पढ़ रहे हैं चीज़ों को, हम घर में सीख रहे हैं चीज़ों को, एक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, उसके बाद उसका डिस्कशन हम क्लास में कर रहे हैं. तो हमने क्या किया, हमने चीज़ों को पूरी तरीके से उलट दिया. हमने खुद से, आपने सेल्फ स्टडी करा कोई कॉन्सेप्ट, उसके बाद आप क्लास में आए और आपने MCQ सॉल्व किया, आपने क्विज सॉल्व किया, आपने डिस्कशन किया. तो हम किस चीज़ पे फोकस्ड है, हम फ्लिप्ड लर्निंग पे फोकस है. वहाँ पे क्या था, हम कॉन्सेप्ट सीखते थे और खुद से चीज़ों को सॉल्व करते थे. यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट खुद से सीख रहे हैं, हमें कोई सिखा नहीं रहा है और हम सॉल्व एक साथ मिलके कर रहे हैं, क्लास में कर रहे हैं. तो ये आपका फ्लिप्ड लर्निंग है, यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है. ये चीज़ें अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी तो आप कभी भी इस चीज़ को डिफाइन कर पाओगे. ओके,
तो अब मैं डिटेल में आपको बताती हूँ इसके बारे में जो कॉन्सेप्ट है बेसिक। अ फ्लिप्ड क्लासरूम इज एन इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी एंड अ टाइप ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग दैट प्रिजर्व्स द ट्रेडिशनल लर्निंग एनवायरनमेंट बाय डिलीवरिंग इंस्ट्रक्शनल कंटेंट ऑफन ऑनलाइन आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम। इट मूव्स एक्टिविटीज इंक्लूडिंग दोज दैट मे हैव ट्रेडिशनली बीन कंसिडर्ड होमवर्क इन टू द क्लासरूम। इन अ फ्लिप्ड क्लासरूम स्टूडेंट वॉच ऑनलाइन लेक्चर, कोलैबोरेट इन ऑनलाइन डिस्कशन और कैरी आउट रिसर्च एट होम वाइल इंगेजिंग इन कॉन्सेप्ट इन क्लासरूम विद द गाइडेंस ऑफ द मेंटोर। तो यहाँ पे क्या होता है, आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आप क्लास में आकर प्रैक्टिकली उस चीज़ को समझ रहे हो, ठीक है, उस चीज़ को लाइव डिस्कस करके देख रहे हो, उसको कैरी आउट कर रहे हो, रिसर्च कैरी आउट कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, ये क्लासरूम में हो रही हैं। और कॉन्सेप्ट सब कहाँ पे पढ़ रहे हो, कहाँ पे देख रहे हो, आप ये कर रहे हो घर पे। तो यहाँ पे ऑनलाइन मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए जो आपका इन्वर्टेड मेथड है या फ्लिप्ड लर्निंग है, ये आपका अ टाइप ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग है। मतलब ब्लेंडेड लर्निंग अगर आप इस तरह समझिए कि ब्लेंडेड लर्निंग एज अ होल है और यहाँ पे इसका पार्ट है इन्वर्टेड लर्निंग, ठीक है, या फिर आपका फ्लिप लर्निंग। तो आप इस तरह समझ सकते हैं, ब्लेंडेड लर्निंग एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक बिगर कॉन्सेप्ट है, एंड फ्लिप लर्निंग इसका पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रही है, हम ऑनलाइन और क्लासरूम दोनों को एक साथ मर्ज कर रहे हैं, एक साथ मिक्स कर रहे हैं। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने इसका जस्ट उल्टा कर दिया, हमने घर में हम लेक्चर्स ले रहे हैं और जो लाइव चीज़ें थी, जो प्रैक्टिकल चीज़ें थी, जो होमवर्क वाली चीज़ें थी, जो असाइनमेंट्स थी, जो प्रोजेक्ट्स थी, वो हम कहाँ कर रहे हैं, क्लासरूम में कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मेंटोर और अ टीचर, ठीक है। अगेन यहाँ पे क्या है, टीचर एज अ फैसिलिटेटर वर्क कर रहा है, ओके। तो ये आपका हो गया फ्लिप क्लासरूम। एडवांटेजेस क्या है इसके, स्टूडेंट कैन कंज्यूम लेक्चर मटेरियल एट देयर ओन पेस। अब जो स्टूडेंट है वो अपने हिसाब से पढ़ सकता है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो पढ़ सकता है। अब यहाँ पे क्या होता है, इन्वर्टेड आपके क्लासरूम में, यहाँ पे आपके ऑनलाइन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आपको बहुत ही हाई डिग्री, मतलब बहुत ही अच्छे लेक्चर्स होने चाहिए, बहुत अच्छे वीडियोज़ होने चाहिए, जिसको स्टूडेंट ऑलरेडी घर पर देखें, उनको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अब यहाँ पे क्या है, जो क्लासरूम टाइम है आपका वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, ठीक है। अब पहले क्या होता था, सिर्फ हम क्लास में पढ़ते थे, अब हम घर पे भी पढ़ रहे हैं। घर पे जो हम सिर्फ होमवर्क करते थे उसको हम क्लास में कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज क्लास में हो रही हैं और जो आपकी पढ़ाई वाली चीज़ें हैं वो घर पे हो रही हैं, ओके। द टीचर इज प्रेजेंट वाइल स्टूडेंट्स अप्लाई न्यू नॉलेज। तो जब भी हम अप्लीकेशन की बात करते हैं तो वो कहाँ होता है आपका, वो क्लासरूम में होता है। पहले क्या होता था कि पेरेंट्स को उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता था, क्योंकि बच्चे क्या होते थे, प्रोजेक्ट मिलता था स्कूल से और वो लाके घर पे करते थे। तो पता चलता था कि जो पेरेंट्स हैं वो उनके प्रोजेक्ट वर्क करा रहे हैं या वो उनके असाइनमेंट करा रहे हैं। अब क्या है, अब डायरेक्टली जो टीचर है वो उनके प्रोजेक्ट वर्क और असाइनमेंट्स कराएगा और जो जो आपके पेरेंट्स होंगे वो उनको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज देंगे, ओके, या वो घर पे खुद से वीडियोस देख के कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लेंगे। फ्लिप्ड क्लासरूम यूज अ मोर एप्लीकेशन बेस्ड अप्रोच फॉर स्टूडेंट्स दैट इज हैंड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ज़्यादा आपका एप्लीकेशन बेस्ड अप्रोच है। क्यों? क्योंकि क्लासरूम में हम सिर्फ एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, हम मगअप करने की चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं, हम रिपीटेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम रोट लर्निंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन बेस्ड अप्रोच की। फ्लिप क्लासरूम यूटिलाइज अ स्टूडेंट सेंट्रिक टीचिंग मॉडल। अगेन ये आपका अनदर एग्जाम्पल है ऑफ स्टूडेंट सेंट्रिक टीचिंग मॉडल का। यहाँ पर स्टूडेंट सेंट्रिक आपकी लर्निंग होती है। क्लास कम्युनिकेशन इज जनरली एम्फेसाइज इन अ फ्लिप्ड क्लासरूम सेटिंग। और यहाँ पे कम्युनिकेशन भी एम्फेसाइज किया जाता है, क्योंकि जो टीचर होता है वो आपस में बच्चों के साथ मिलकर क्रिएटिवली उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। नेक्स्ट अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो स्टूडेंट्स मे सजेस्ट स्ट्रगल ड्यू टू देयर डेवलपिंग पर्सनैलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हो सकता है कि इतनी सारी चीज़ें हमने घर में ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए दे दिया है, तो हो सकता है जो उनकी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो उनकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके बीच में स्टूडेंट थोड़े कन्फ्यूज़ हो जाएँ कि वो अपना खुद का जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मैनेज करें या घर आके पढ़ाई करें, ओके। इसके अलावा जो इनका कंप्यूटर टाइम था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। ऑलरेडी आज के जनरेशन में क्या है कि हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम कंप्यूटर पर स्पेंड करते हैं, फिर क्या होगा, पूरी टाइम जो स्टूडेंट होंगे वो कंप्यूटर पे ही बैठे रहेंगे और उनका जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है, जैसे खेलना, स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें, को करिकुलर एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, अगेन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा कॉन्सेप्ट्स को सीखने का। अगर वो उसको कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होंगे, वो खुद से नहीं पढ़ेगा, तो अगेन वो प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं कर पाएगा। रिक्वायर्ड लर्निंग एटमोसफेयर एट होम एज वेल। तो अगेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो आपका घर है वहाँ पे एक लर्निंग एटमोसफेयर हो। अगर सपोज कोई ऐसा स्टूडेंट है
जिसके घर पे लर्निंग एटमॉस्फेयर नहीं है, वो एक जॉइंट फैमिली में रह रहा है और जहाँ पे बहुत सारे उसके एज के बच्चे हैं और जो आपस में बहुत ही जल्दी मतलब खेलने लग जाते हैं और वो पढ़ाई पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं हो पा रहे, ठीक है, या बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी कोई सिचुएशन है, ठीक है, तो इस तरीके की सिचुएशन में क्या होगा कि आपको लर्निंग एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाएगा, ओके। तो ये आपके डिसएडवांटेज थे फ्लिप्ड लर्निंग के। आई होप आपको ब्लेंडेड लर्निंग एंड फ्लिप्ड लर्निंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी अगर क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।